पारसी डेयरी फार्म के इवेंट में जो मैंने आपको बताया था आज बोरिवली वेस्ट में, दैट इज़ इन मुंबई, उनका लॉन्च है, स्टोर लॉन्च है, तो मैं आज वहीं पे जाने वाली हूँ अराउंड 4:30 को, एंड आई हैव टू रिटर्न बैक बिफोर वीर कम्स होम. तो वीर 6:30 बजे आता है, उसके पहले मुझे घर आ जाना है. आज जैसे ही मैं सुबह उठी ना, तो मैंने देखा कि मुझे उन जहाँ से मैं अभी मेरा वर्कआउट कर रही हूँ, फिट मॉम क्लब, वहाँ से मुझे उनका पूरा डाइट चार्ट एंड एवरीथिंग सब आ गया कि क्या करना है. इनका एक चीज़ अच्छा क्या है पता है, कि इन लोग दे मेक श्योर कि ये आपसे वो सब करवाते हैं. इन द सेंस इन्होंने मेरे को बोला है कि एवरी डे आपको जो जो जभी जभी खाने बोला है आप वो खाओगे, एंड यू आर गोइंग टू सेंड अस अ पिक्चर. आप जब पिक्चर भेजते हो कि यू आर ऑल्सो लाइबल कि नहीं मुझे चीट नहीं करना, आई हैव टू ईट व्हाट दे हैव सेड, एंड दे आर ऑल्सो टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ यू नो ऑफ मेकिंग श्योर कि आपसे वो आपका जो हेल्थ गोल है, जो आपका बॉडी गोल है, वो आपसे वो करवा के ही छोड़े. सो दैट इज़ जस्ट फैंटास्टिक, क्योंकि ऐसे बहुत कम जगह पे दिखता है कि यू नो पीपल पुट सो मच ऑफ एफर्ट एज इन यू नो. मैं बोलूँगी जब सर मतलब मेरा वर्कआउट क्लास लेते हैं, दैट टाइम ऑल्सो ही मेक श्योर कि माई पॉस्चर इज़ करेक्ट, ही करेक्ट्स मी, एंड यू नो मतलब मैं काफ़ी बार गिव अप कर देती हूँ कि बस 8 के बाद और नहीं हो रहा. ही इज़ लाइक नो यू हैव टू डू इट, हैव टू डू इट, और दो है और मतलब ये जो एक मतलब एक मोटिवेशन इनसे मिलता है, दैट इज़ रियली ऑसम. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरा गोल है टू लूज़ यू नो 3-4 किलोज, आई एम श्योर शायद मैं 3 मंथ्स में वो लूज़ कर लूँगी बिकॉज ऑफ दे आर डेडिकेशन टूवर्ड्स मी एंड दे आर मोटिवेशन टूवर्ड्स मी. इसके वजह से ये मुझे थोड़ा हेल्प होगा करने में. बाय द वे आप लोग को बता के नहीं हुआ, कल का वीडियो जो सर्फ एक्सेल के लिए लिया था वो इतना अच्छा मतलब आया है, उसका आउटपुट हैज रियली कम नाइस. वो अनिकेत जो मेरा वीडियो लेता है, ही इज़ जस्ट द बेस्ट. वो फिर भी ऑब्वियसली मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, अब ब्रांड को हम भेजते हैं, ब्रांड से अप्रूवल आता है, अकॉर्डिंगली फिर डालते हैं. जैसे मैं डालूंगी मैं आपको बताऊंगी, जाके मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए, बोटाई एंड लिपस्टिक्स करके ही है मेरा चैनल वहाँ पे, तो आप जाके वो वीडियो वहाँ पे चेक कर सकते हो. बस नथिंग, अब यही मैं कुकिंग कर रही हूँ. आज बैंगन का भरता बनाने का प्लान है एंड मैं पोहा बना रही हूँ फॉर द ब्रेकफास्ट. माई पोहा इज़ रेडी, बस अब पोहा खाऊंगी, उसके बाद बाकी का कुकिंग फिनिश करूंगी. मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न था, उन्होंने मुझे ABC जूस लेने बोला है, दैट इज़ आमला बीटरूट एंड कैरेट. वो दे हैव टोल्ड मी 6:30 को लेने को. आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू वेक अप उतना अर्ली. आई थॉट आई विल वेक अप बाय 7, बट आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट वेकिंग अप बाय 6:30. देखते हैं, आई विल टॉक टू देम ऑल्सो. आज मैं उनसे बात करके देखूँगी क्या बोलते हैं, बट आई फील आई विल वेक अप एट 6:30, दैट इज़ गोइंग टू बी बेटर. बिकॉज मैं 6:30 उठूंगी ऑटोमेटिकली आई विल बी टायर्ड और मैं जल्दी सो जाऊंगी, एंड आई विल नॉट कीप ऑन स्क्रोलिंग द रील्स और शॉर्ट्स व्हाटएवर. कैन आई ड्रॉप वन सीड? विल पुट नो वे जी आगे मिक्स कर बे मम्मा. हां शो दिस, सी ऑल दिस विल ड्राई एंड डेड लीव्स है ना. ये अभी धनिया हमने वो भगवान के वहां रखा था दिवाली के टाइम पे, और आज इसको हम प्लांट कर रहे हैं, और वीर हेल्प कर रहा है. कनाय यस डू नो बस दैट्स इट यू हैव टू पुट द होल थिंग. ओके, और उसके बाद वापस वो करेगा. हां, दो पॉट में. अच्छा, दो पॉट में डाल रहे हैं, जगह चाहिए. हट जा. ये आज से मेरा डाइट का खाना है, थोड़ा सा ही चावल
ये इधर दिख ज़्यादा रहा है, बट ये थोड़ा सा चावल है, दही है, क्यूकम्बर, दाल और भाजी। आज मैं क्लास मेरा 2 बजे ले रही हूँ, मेरा फिटनेस कोचिंग का क्लास, बिकॉज आज मुझे जाना है पासी डेयरी फार्म, मुझे 4 बजे वहाँ पहुँचना है। तो 1 घंटे का पहले वर्कआउट करूँगी, फिर वहाँ पे जाऊँगी और वर्कआउट करूँगी, उसके बाद आई वांट टू हैव सम कैलोरीज, थोड़ा सा ही लूँगी बट लूँगी व्हाटएवर। तो अभी बस और 10 मिनट में मेरा क्लास चालू होने वाला है, आप लोग को मिलती हूँ मेरे क्लास के बाद, और जब मैं पासी डेयरी फार्म के लिए निकलूँगी तभी। वर्कआउट डन, आज थोड़ा बेटर लग रहा है, 2 दिन से तो बहुत टायर्ड फील हो रहा था आफ्टर वर्कआउट, बट टुडे आई एम फीलिंग लिटिल फ्रेश, ऐसे नहीं लग रहा है कि आई एम डेड टायर्ड, बस नींद आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मतलब विथ टाइम आई एम गोइंग टू फील बेटर आफ्टर वर्कआउट, ऐसे अब लग रहा है। चलो अब मेरा टाइम हो रहा है, मैं रेडी होके अभी निकलने वाली हूँ पारसी डेयरी फार्म के इवेंट में जाने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ पारसी डेयरी फार्म जाने के लिए, और ये जो इयरिंग है ना, ये उस दिन मैंने मिस्टर DIY से लिया था, बहुत क्यूट है। मतलब मुझे 80 रुपीज़ का कुछ इतना सारा पैक मिला, ये देखिए, वेरी नाइस नो, सस्ता सुंदर टिकाऊ। चलो अब मैं निकलती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी, मुझे 4 बजे पहुँचना है और मुझे 6 बजे वापस आना है। ओके, सी यू गाइस। द पारसी डेयरी फार्म, अब मैं अंदर जा रही हूँ और अंदर आप लोगों को सब यमी यमी इन लोग के पास क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। बरेला पेड़ा डस्ट, वो ये है ना, स्टफिंग, और ये चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, ओके। अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और एक हैम्पर मिला है, ये हैम्पर का अनबॉक्सिंग मैं घर जाके करूंगी, अब वीर को भी पिकअप करना है तो फटाफट घर पहुंचना है।
ये हैम्पर का एक यूनिक चीज है जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, बाकी क्या है मैं आपको घर जाके बताऊंगी। हियर इट इज, वन मिनट। ये देखिए, इन्होंने मेरा फोटो रखा है, प्रिंट किया है, आई मीन मिठाई के ऊपर। दैट इज अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा प्यारा जेस्चर है इनका। बाकी का घर जाके दिखाती हूँ। ये है टॉफी जो हम लोग को वो बड़े पैकेज में आया था, ये बस पैकेजिंग डिफरेंट है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है, टॉफी के शेप का है। और ये तो मैंने आप लोग को बताया ही था, ये मेरा फोटो वाला है। और देखते हैं और क्या क्या है इस। ये है सुत्तर फेनी जो हम लोग को पहले पैकेजिंग में भी आया था, और इसके अंदर बस देखती हूँ क्या है। ओ, ये वही सेम मिठाई है जो पहले भी आया था। अमेजिंग, थैंक यू सो मच पारसी डेयरी फार्म फॉर सेंडिंग दिस एंड गिविंग दिस हैम्पर, बहुत ही अच्छा लगा। मैं आज वॉक करने के लिए नीचे आई हूँ बिकॉज आज मैंने जलेबी और कैलोरीज काफ़ी सारा इंटेक किया था, तो इसके लिए फिर अब मुझे वॉक करना ज़रूरी है। मेरी डाइटिशियन ने मुझे बोला कि आई हैव टू डू 30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक, तो नीचे आई हूँ। 8:15 तक आई विल डू वॉक, उसके बाद मैं घर जाऊँगी। वीर भी नीचे ही खेल रहा है। आई वॉन्ट टू टेक इट वेरी सीरियसली इस बार वेट लॉस, नहीं तो हर बार मैं कभी सीरियस लेती नहीं हूँ और मतलब फिर सिर्फ हाथ पैर दुखाती हूँ और जो गोल अचीव करना है वो तो अचीव होता ही नहीं है। सो इस बार आई एम गिविंग माई 100% टू दिस। आई एम डन विथ माई वॉक, आई एम टू टायर्ड नाउ। काफ़ी सारा वॉक किया, 45 मिनट्स वॉकिंग किया, अब मैं घर जा रही हूँ। मुझे घर जाके थोड़ा कुकिंग भी करना होगा। चलो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, नहीं तो ये बच्चे बॉल से खेल रहे, डेफिनेटली मुझे मार ही देंगे बॉल से। आई एम फीलिंग क्वाइट हैप्पी क्योंकि मैंने वर्कआउट किया एंड उसका रिजल्ट दिख रहा है। मुझे काफ़ी स्वेटिंग हुआ और मैंने ब्रिस्क वॉक किया। बस आज अब मैं डिनर में एक ही रोटी और मूंग का भाजी लूंगी जिससे मेरे को थोड़ा प्रोटीन मिल जाए। बस दैट्स इट। I ate one pasi day. Two pasi day. I ate one pasi day. Mama? Mama ne deva.